गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज छोटी दिवाली और आप सबको हैप्पी छोटी दिवाली। तो गाइज आज बहुत सारा काम करना है और सबसे पहले तो मंदिर में लड़ी लगानी है। बाहर तो लड़िया लगा दी बट मंदिर में लगाई लड़ी। अभी ऐसी मंदिर की लड़ी निकाल दी थी ना मैंने, जो नीली वाली थी वो मैंने बाहर लगा दी और मंदिर के लिए नई लेके आया था तो नई लगाऊंगा लड़ी। और अभी तो सूना सूना लग रहा, कल धनतेरस था और कल वो तो बना नहीं पाया, कल बिजी था और आज ही बिजी हूँ, आज ब्लॉग बनाऊंगा मैं। तो गाइस पहले चलते हैं मंदिर की तरफ और मंदिर को सजाते हैं पहले, उसके बाद करते आगे काम। चलो मंदिर सजा चुका है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया, तो अब चलते हैं मिठाई देने। और पैसे सबसे पहले निकी मिठाई लिखाता हूँ, वो बहुत लेट करता है। कहीं भी जाओ ना सबसे पहले वही लेट करता है, और कोई लेट नहीं करता और वही लेट करता है। तो कल हम खरीद के लेके आए गन्ना पटास, देसी बम जिसे कहते हैं, और बम क्या देसी मतलब गन्ना पटास कहते हैं ना, जैसे हम बारू बारू भर के मतलब अंदर मसाला भरता है, ऐसे मसाला आता है उसको भर के बड़ी तेज़ पड़ता है। तो वैसे फोड़ के दिखाएंगे अभी। तो पहले तो हम निकल को लेने और अभी आधे रास्ते आ गया, आधे रास्ते में लेने जा रहा हूँ उसे, फिर यहाँ से हम जाएँगे जॉर्जन से डबुआ और मिठाई लेके आएंगे। फिर उसके बाद वहाँ से घूम घाम के आवारा गर्दी करके फिर आएंगे हम अपने घर। चलो चलते हैं। 6.5 hours later अब मैं जा रहा हूँ अपने बुआ घर और ये थोड़ा मार्केट का व्यू है, मेरे मोबाइल की दुकान। और अभी तो पहले मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ मिठाई लेने और मतलब गिफ्ट पैक लेने और फिर तू ओए गुरु आज ज़्यादा मार्केट में रस नहीं है, बहुत कम ही रस है। तो कालू देख सकते हो ये मिठाई ले रहे हैं यहाँ पर और मम्मी पापा का यहाँ हो रहा है डिसीजन और ये यहाँ पर मिठाई दुकान पे आए थे देने। बस टाइम मैं मार्केट में ब्लॉग कर रहा हूँ ना, तो मैं वैसे कभी ब्लॉग में करता नहीं मार्केट में। और ये देखो गाइस इनसे ज़रूर ले करो, जो यहाँ पर नीचे बैठ रहे थे ना दिए वाले, उनसे मम्मी उन्होंने सामान दे दिया। इतना भारी सामान है यार, हाथ दर्द हो गए हिलता चले जाते हैं। और मतलब बाकी मिठाई ले रहे अभी हो तो बाद में घर चल जाएंगे, मैं तो बॉय घर निकल गया क्योंकि फिर आज भी बहुत जल्दी अंधेरा जा रहा है ना, इसलिए मैं तो बहुत दूर है यहाँ से बुआ का, पैदल पैदल चलो। फिर ये भूख मुझे बड़ी जोर वाली, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, बस सुबह सुबह एक रोटी खाई थी उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया बिल्कुल भी। दिन में सुबह से खेल रहे इनका बढ़िया यार, छोटे छोटे बच्चों का भी क्रिकेट खेलो बढ़िया से, हमें तो ये सामान लेके जाना पड़ता है, मिठाइयों और गिफ्ट पैक की पन्नी फट चुकी है। और मैं सोच रहा हूँ ताकि घर तक चल जाए, बस और कुछ नहीं किया, बस उसके बाद तो आ ही जाएगा घर, पर थोड़ा सा दूर रह गया रास्ते पे आओ ना। मुझे हमेशा ही पानी कीचड़ मिला, कभी सूखा हुआ नहीं मिला, तो इस रास्ते चलते हुए दर्द हो गए बहुत गंदे वाले। और पन्नी फट चुकी है यार नीचे से, यार देखो पन्नी भी, पन्नी लोकल देते यार दुकान वाले ना, तो मतलब पन्नी को ऐसे नहीं ना, मतलब ऐसे पन्नी दे यार, ऐसे ऐसे देंगे यार जो फट जाती, हाथ और दर्द हो रहे चुकी है भूख। और अब मैं खा रहा हूँ गरीब बाजार, अरे गरीब बाजार खा रहा हूँ, पन्नी हालत बहुत ज़्यादा एक ख़राब हो चुकी है अब, मतलब 100 में से ना 50 तो नाले तक ख़त्म ही हो गई थी, नाले के पार तक, और अब 50 में से ना मतलब 10% बची होगी बस, ये जो ये बाहर आई 10 या 15% बाहर, बस जो हालत दम तोड़ देगी जितने में। साथ में मैंने पेट पूजा भी कर लिया बर्गर खा के, बहुत तेज़ भूख लग रही थी सुबह से ना, बाहर घूमने में लगा हुआ था बस मैं, अभी मिठाई और आज तो पटाखे भी लिया, पटाखे कभी टाइम में निकल ही गया, आज ही लिया फाइनल। मान पकड़ते पकड़ते मेरे हाथ खराब हो गए, सेक्टर में ये चीज़ बड़ी लगती है भाई, सुनसान ना कुछ और आज तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। घर पहुँच चुका हूँ मैं, बस थोड़ी सा मतलब एक गली छोड़ के हो रहा है, उसके बाद पहुँच जाऊँगा और पन्नी भी सही समय पहुँच जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना चैनल का, जल्दी कर दो सब्सक्राइब यार, 500 सब्सक्राइबर तो करा ही दो जल्दी से यार, करवा दो जल्दी से यार गाइस। और जब तक के लिए बाय बाय टाटा सी, और कल का ब्लॉग तो भाई धांसू ही होने वाला है, और पटाखे भी ले आऊंगा तब धांसू ब्लॉग करूँगा।
हूँ क्योंकि मेरी अभी तबीयत ख़राब है सुबह से बहुत ही। सुबह जल्दी उठ गया था 8 बजे, फिर नहा धो के मेरा तबीयत ख़राब हो रही है। मैं नहीं करूँगा ब्लॉगिंग, मैं कल करूँगा ब्लॉगिंग दिवाली वाले।